दोस्तों, सब कैसे हो? तो दोस्तों, मैं और एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। बीच में मैं ब्लॉग दे नहीं पाई, मेरा एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं था। मेरा वॉइस सुन के आप सभी को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कल मैंने मेरी दो बेटी के साथ और हस्बैंड के साथ मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया, उसकी कुछ पल मैंने शेयर करने वाली हूँ। तो देख ही सकते हो, कल मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के लंच बना ली थी, क्योंकि लंच हमें बहुत सारी बनानी थी बच्चों का, जो जो पसंद है दो लड़की की। एक्चुअली मशरूम, मछली, भुजिया, कुछ भी बाकी नहीं था। तो सब बना के जल्दी जल्दी लंच करके हमें एक्चुअली निकलना था, क्योंकि बहुत सारी प्लान थी हमें। कल इसके पापा का छुट्टी भी था, तो अच्छा ही हुआ था, जल्दी जल्दी निकलना था। तो देख सकते हो, लंच करके थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं लिया, निकल गई। तो बाहर आने के बाद देख रही थी कि मेरे हस्बैंड और दो लड़की बहुत देर पहले से ही वेट कर रही थी, मेरे लिए थोड़ा लेट हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि अंधेरा थोड़ी देर में होने वाली है, जल्दी जल्दी निकलना था। जहाँ हमें जाना था वो है एक्चुअली पार्क। फर्स्ट में हमें जाना था पार्क, जिसका नाम है जापानी पार्क, बहुत ही दोस्तों बड़ा है। तो आप देख ही सकते हो, पार्क की तरफ आ भी गई, बट हमें थोड़ा लेट हो गया। तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, देखते रहिए। देख ही सकते हो कितना अच्छा पार्क, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, सब लोग जाने वाले थे। वो लोग सब जो भी आए थे पार्क में, जल्दी जल्दी आ गए, बट हमें उतना पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ठीक ही कर रहे थे मुझे डांट के एक्चुअली, बट क्या करें, हमें थोड़ा लेट हो गया, हमें दूसरा दिन भी आना पड़ेगा। बहुत अच्छा दोस्तों, इतना अच्छा पार्क, और ये पहले नहीं था। ये चंडीगढ़ में एकदम सबसे बड़ा पार्क है, सबसे अच्छा जापानी पार्क, मतलब जापान के स्टाइल में कुछ बना हुआ है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने में कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा अपने दोस्तों के पास मेरे वीडियो को शेयर करके। प्लीज़ दोस्तों, मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, देख ही सकते हो, चारों तरफ मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, इतना अच्छा पार्क, बट हम सब कंप्लीट नहीं कर पाए, अंधेरा हो गया था एक्चुअली। तो जितना हो सके हमने दिखाने का कोशिश किया दोस्तों, बहुत अच्छा। तो दूर से हमें दिख रहा था एक बुद्धों की जो बुद्धोदेव है ना, बुद्धिस्ट जो है, वो लोग भी इधर शायद कुछ बना के रखे हैं। तो बुद्ध की मूर्ति है, और ये क्या है हमें उतना पता नहीं चला, बट हमने जो आइडिया का किया वो डेथ के बाद जो देते हैं ना समाधि, ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमें उतना पक्का नहीं पता है। तो ये जगह भी बहुत सुनसान टाइप का है, अंधेरा होने के बाद तो और भी डर लगेगा, पता नहीं, बट उतना भी अंधेरा नहीं हुआ था, लाइट भी था, इसलिए अच्छा लग रहा था देखने में। बट सुनसान था, काफ़ी सब चले गए थे, बस हम और कुछ ही लोग बचे थे। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑपोजिट जो जगह है वो भी बहुत सुंदर है, उधर हम अभी ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा जगह, ब्रिज के नीचे पानी रहता है दूसरे टाइम में, अभी तो गर्मी है, अभी पानी नहीं है, पानी रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये जगह बहुत ही सुंदर है। हम काफ़ी देर इधर थोड़ा सा टाइम पास किया, और इधर थोड़ा फोटोशूट किया, वीडियो बनाया। मेरी लड़की तो ड्राइंग करने बैठ गई थी, उसको बहुत पसंद है ड्राइंग करना, तो साथ में ड्राइंग के जितना ही सामान वो लेके आई थी, तो इधर जैसा ही जो भी देख रही है वो देख के वो ड्राइंग करने बैठ गई थी। देख ही सकते हो, ये पेड़ मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला पेड़ मैंने इसलिए वीडियो कर लिया, तो मुझे इतना अच्छा, इधर बहुत वीडियो फोटोशूट भी किया हमने, बहुत अच्छा जगह है। तो देख ही सकते हो, मेरी लड़की ड्राइंग करने बैठ गई, और इधर मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था एक्चुअली, और इतना अच्छा हवा चल रहा था दोस्तों, तो इधर से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट भूख भी लग गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खा लिए थे, लंच कर लिए थे, तो छोटे बच्चा है उसको भी भूख लग गया था, तो हमें कुछ खाना था, इसलिए हम निकल पड़े, नहीं तो और थोड़ी देर बैठते। तो निकलते निकलते जिस और गए, जिसकी तरफ गए वो हमारा निकलने का गेट नहीं था,
हम गलती करके आ गई थी, बट इधर आने के बाद देखा कि पार्क ख़त्म नहीं है, इधर और भी बहुत जगह है, बहुत एरिया है, बट हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। और बहुत अंधेरा भी हो गया था, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा डर लग रहा था, काफ़ी दूर तक है, तो हमने आगे नहीं बढ़ा, इधर ही एंड कर दिया और सोचा कि बाद में आएंगे, जल्दी जल्दी आना आना है इधर, तो हमने और दूर नहीं तरफ दूर में ही गया, तो इधर ही एंड कर दिया। तो चलिए अब हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए इधर आ गए थे, इधर बहुत सारा फास्ट फूड का दुकान था, बट हमने थोड़ा सा ही कुछ खाया, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, क्योंकि हमें डिनर भी करना था, तो नया जगह है, अब डिनर के लिए इधर उधर पूछ के थोड़ा अच्छा जगह रेस्टोरेंट में जाना है, तो ये वाला रेस्टोरेंट हमें ठीक लगा, क्योंकि हमें भी उतना जान पहचान है नहीं ना, तो इधर उधर किसी किसी को पूछ रहे थे, तो ये वाला ठीक लगा रेस्टोरेंट, बट ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, तो ये वाला रेस्टोरेंट में हमने डिनर कर लिया। तो रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर था, आसपास दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो चलिए माता डे हमारा बहुत ही अच्छा बीता, और इसलिए सोचा आप लोगों के पास थोड़ा शेयर करें। आप लोगों का कैसा बीता माता डे, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देख ही सकते हो डिनर आ गए हैं, तो हम डिनर खाने के बाद तुरंत घर जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बाहर, अभी घर जाना है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।